दोस्तों, सिलेंडर पर टेप का क्या काम? आप यही सोच रहे हैं ना? तो एक बार सिलेंडर पर टेप चिपका के तो देखिए। जाओ जाओगे? साथ ही में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टाइल्स पर के सिलेंडर के दाग कैसे निकालें। यदि सिलेंडर पर रेगुलेटर बराबर फिक्स नहीं हो रहा है तो क्या करें? नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। जहाँ पर हम सिलेंडर रखते हैं, वहाँ पर टाइल्स पर इस तरह के जिद्दी दाग पड़ जाते हैं। इन जिद्दी दाग को निकालने के लिए एक बाउल में 1.5 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लें। ध्यान दें कि बेकिंग सोडा लीजिए, बेकिंग पाउडर ना लें। उसमें 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस डालें। मिश्रण को मिक्स करें। इस मिश्रण को स्क्रबर की सहायता से जंग के दाग पर लगा दीजिए। इसे ऐसे ही आधे घंटा रहने दें। आधे घंटे बाद स्क्रबर से दाग को अच्छे से रगड़ें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं कि दाग थोड़े थोड़े फीके पड़ रहे हैं। फिर उसे साफ गीले कपड़े से पोंछ लें। जंग के दाग फीके तो पड़ गए हैं, लेकिन वे निकले नहीं है। ये दाग पूरी तरह निकालने के लिए आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। देखा आपने कि ये दाग कितने जिद्दी हैं? कितना अच्छा हो कि हमारे पास ऐसी की कोई ट्रिक हो जिससे ऐसे जंग के जिद्दी दाग टाइल्स पर पड़े ही नहीं। इसके लिए ये सेलो टेप हमारी हेल्प करेगी। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप सेलो टेप निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका एंड आपको जल्दी मिलता ही नहीं? इसके लिए आप सेलो टेप का यूज करने के बाद उसके कॉर्नर को इस तरह अंदर की ओर मोड़ लें। इससे अगली बार जब भी आप टेप निकालेंगे तो उसका एंड आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सिलेंडर को इस तरह आड़ा रख के उसके तले के कॉर्नर पर टेप लगाएं। टेप को इस तरह लगाएं कि आधी टेप ऊपरी भाग पर रहे। जो आधी टेप अभी हवा में लटक रही है उस पर कैंची से बीच बीच में कट लगा दे। फिर टेप को अंदर की ओर चिपका दे। ये टेप कम चौड़ी होने से सिलेंडर का निचला हिस्सा बराबर कवर नहीं हुआ है, इसलिए अब पहले वाली टेप के सेंटर से टेप लगाए ताकि हवा में टेप का ज्यादा भाग लटके। इस पर भी कैंची से बीच बीच में कट लगाकर उसे अंदर की तरफ चिपका दे। इस तरह पूरे सिलेंडर पर टेप चिपका दे। ये छोटी सी टेप आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। अब आप जहाँ भी सिलेंडर रखेंगे वहाँ पर जंग के दाग नहीं पड़ेंगे। मतलब अब कभी भी आपको जंग के जिद्दी दाग क्लीन नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीक कभी कभी जब हम सिलेंडर पर रेगुलेटर लगाने की कोशिश करते हैं तो वो लगता ही नहीं है। हम दोबारा तिबारा कोशिश करते हैं लेकिन रेगुलेटर सिलेंडर में फिक्स ही नहीं हो पाता। हम सोचते हैं कि हमारा रेगुलेटर ही खराब हो गया है, लेकिन एक्चुअली कभी कभी सिलेंडर के माउथ की साइज बिल्कुल हल्की सी कम ज्यादा हो जाती है जिससे उस पर रेगुलेटर बराबर फिट नहीं हो पाता। इस समस्या के समाधान के लिए आप लीजिए रेतमल का एक टुकड़ा। रेतमल से सिलेंडर के कॉर्नर को चारों तरफ से थोड़ा सा रगड़े, फिर रेगुलेटर लगाए। अब रेगुलेटर आसानी से सिलेंडर में अच्छे से फिक्स हो जाएगा। यह ट्रिक मुझे गैस एजेंसी वालों ने ही बताई थी। नेक्स्ट ट्रिक, दोस्तों यहाँ सिलेंडर पर D25 लिखा, क्या आपको इसका मतलब पता है? एक्चुअली ये गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट है। हाँ, गैस सिलेंडर की भी एक्सपायरी डेट होती है। ये जो नंबर है वो साल दर्शाता है। यहाँ पर 25 लिखा है, मतलब ये गैस सिलेंडर 2025 में एक्सपायर होगा। और ये जो अक्षर डी है वो महीना दर्शाता है। यहाँ पर डी के स्थान पर ए, बी और सी भी हो सकता है। 12 महीनों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उस हिसाब से ए का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, बी का मतलब अप्रैल, मई, जून, सी का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर और डी का मतलब
अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इस तरह 225 का मतलब होगा यह सिलेंडर दिसंबर 2025 को एक्सपायर होगा। एक्सपायर हो चुके सिलेंडर में ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए कभी भी नया गैस सिलेंडर लेते वक्त अन्य सामानों की तरह गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट भी जरूर चेक करें। दोस्तों, सिलेंडर के ये हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।